बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो बेटा हमारे पास नेटवर्किंग के लिए जो डिवाइसेज यूज़ की जाती हैं जैसे डायलअप और मोडेम जिसे हम कहते हैं और NIC कार्ड, इनके बारे में लास्ट लेक्चर पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद है कि ऐसे मीडिया, ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए से हम फिज़िकली डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब बेटा इसकी तीन टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे STP और अनशील्ड अनट्विस्टेड पेयर केबल जिसे UTPC कहा जाता है। इस केबल की अगर एग्जांपल दी जाए, ये केबल कहाँ मिलती है और आपको डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम शील्ड ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ते हैं, उससे भी पहले हम ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ते हैं। बेटा जैसा कि वर्ड से आ रहा है पेयर, पेयर का वर्ड जो होता है इसमें दो वायर्स को आपस में सर्कुलेट करके वायर्स के पेयर को कंबाइन किया जाता है, तो ऐसी पेयर जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। अब ये कहाँ मिलेगी बेटा, अगर आपके पास घर में केबल नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो इंटरनेट होता है जो बाहर से आप किसी केबल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केबल में अगर आप उसको केबल की इंसुलेशन उतारें तो आपको पेयर्स नज़र आएंगी। ये इंटरनेट की जो वायर जिसे हम आजकल कहते हैं वो जो है वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल की एग्जांपल है। लेकिन इसकी भी दो एग्जांपल हैं, इसकी दो सॉरी टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। पहले हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP को डिस्कस करते हैं। STP ये डायग्राम देखें, डायग्राम के अंदर STP के बारे में लिखा हुआ है और सामने एक्सप्रेस किया गया है। सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम में नज़र आ रही है कि वायर्स जो हैं वो चार जो सर्कुलेट हुई हुई वायर्स डिफरेंट कलर्स की वो दिख रही है। उसके ऊपर सिल्वर कोडिंग की गई है, देन फिर एनेमुलेशन की गई है प्लास्टिक कवर की, फिर उसके बाद प्लास्टिक की इसके ऊपर इंसुलेशन की गई है। ये इतना सिक्योर होता है, इसे एथरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एथरनेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जो इंसुलेशन की जाती है वो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से बचने के लिए इंसुलेशन की जाती है, ताकि इनके डाटा के ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई मैग्नेट भी इनके करीब कर दिया जाए तो डाटा ट्रांसमिशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत ही सिक्योर मेथड है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आम घरों में जो इंटरनेट की केबल्स लगती हैं, इंटरनेट की ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना होता है, या फिर आप ये कहें कि मोडेम से लेकर आपके PC तक जो वायर लगी होती है वो बेसिकली शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है। और दूसरी हमारे पास केबल है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये बहुत सादा सी होती है, इसमें क्या होते हैं पेयर्स होते हैं वायर्स के, बस उसको सिंपल लेमिनेशन की जाती है, उसकी इंसुलेशन की जाती है। ये बहुत ही सादा होता है, ये आमतौर पर LAN नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर में जो वायरिंग की जाती है इंटरनेट की, उसके लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप सबने देखी हुई है, आपके घर में जो केबल की जो मीडिया केबल आती है जिसे हम केबल नेटवर्किंग कहते हैं, उसकी जो वायर आपके घर आती है वो बेटे कोएक्सियल केबल कराती है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसमें सबसे पहले एक थिक जो है वो मेटल वायर होती है, उसको इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेट करने के बाद उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल की कोडिंग की जाती है, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल चढ़ाई जाती है, और उसके बाद फर्दर क्या किया जाता है कि एक जैसे थ्रेड्स होते हैं इस तरह धागा नुमा एक वायर का शील्ड बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वोवन आर ब्रेडल मेटल। इसकी एक वायर बनाई जाती है जिसके ऊपर कोटेड की जाती है, कोटेड करने के बाद इसको प्लास्टिक से इंसुलेट किया जाता है। तो ये टू वायर्स होते हैं जो एक कनेक्शन को मूव ऑन लेके जाती हैं, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जितनी भी केबल नेटवर्किंग जो हमारे घरों में चलती है, इंटरनेट की केबल नेटवर्किंग नहीं, ये जो आप चैनल देखते हैं जैसे PTV है, जियो है, ऐसी है जैसे आपके रिमोट के अंदर लगा हुआ सेंसर जो होता है, जो सामने LED लगी होती है छोटी सी, जब भी आप रिमोट का बटन क्लिक करते हैं तो वो LED क्या होती है ब्लिंक करती है और वो सिग्नल ट्रांसफ़र करती है लाइट में, तो आगे रिमोट से TV का जो सेंसर होता है उसे कैच करके आपके सिग्नल्स को कम्युनिकेट करता है। लेकिन इसकी एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी है कि फाइबर ऑप्टिक्स एक बारीक, बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम एक्सपेंसिव और ये शॉर्ट सर्किट्स कम होती हैं,
डाटा ट्रांसमिशन इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिकल होती है, इतनी सस्ती होती है कि इजीली परचेज की थी एज़ कम्पेयर मेटल वायर के, इसमें इसका रेट भी सस्ता होता है। इसकी ऐजाद के बाद कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है। ये बेसिकली एक लाइट पाइप भी कहलाता है कि इससे मिलकर एक लाइट पाइप बनता है। अब इसकी मिसाल इस तरह कि आपके पास एक शीशे का पाइप हो, उसके ऊपर आप ब्लैक टेप कर दें और आप लाइट को एक तरफ से गुजारें दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो इसी तरह जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो जो वायर इस हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम फाइबर ऑप्टिकल कहते हैं। थैंक यू बेटा।